हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्रीन गार्डन आरबीएल में। दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉर्चुला का कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और आज हम बात करेंगे ये लिपस्टिक एग्लोनीमा, या जिसे रेड एग्लोनीमा भी कहते हैं। दोस्तों, आप इनकी पत्तियों की खूबसूरती देखिए, बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है दोस्तों। और कहीं भी आप इसको रखें, टेबल पे, आप अपने अंदर इंडोर किसी भी कॉर्नर में, उस कॉर्नर की सुंदरता ये इन्हेंस कर देता है और इसकी फॉलेज ही इसकी सुंदरता होती है। आप देखिए इसकी पत्तियों में जो ये साइड में रेड कलर होता है दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और बीच बीच में इसकी जो ये वेंस है, ये भी रेड कलर की होती है, तो ये जैसे एकदम आर्टिफिशियल सा लगता है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है दोस्तों, इसको ज़रूर आप अपने गार्डन में शामिल करें। एक ही बात का इसमें खास ध्यान देना है दोस्तों, पानी इसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये प्लांट आपका सूख जाएगा, मर जाएगा। सूख क्या, गल जाएगा दोस्तों। ठंडियों में मेरा ये प्लांट एकदम से मर सा गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस बार ठंडियाँ पड़ी थी हमारे यहाँ, तो मुझे नहीं लग रहा था कि ये बचेगा। लेकिन हमने इसको फिर से रिपोर्ट किया, दूसरे पॉट में लगाया। इसमें तीन प्लांट थे दोस्तों, लेकिन अभी दो हैं, एक और मैंने दूसरी जगह लगाया है, उसमें भी अब पत्तियाँ निकल रही हैं। तो बहुत ही ज़्यादा जब ठंडी होती है तो ये प्लांट उसको नहीं बर्दाश्त कर पाता, और बहुत गर्मी होती है तब भी ये नहीं बर्दाश्त कर पाता। और वैसे तो ये बहुत हार्डी है, जल्दी से ये ख़राब नहीं होता है, लेकिन जब इसमें ज़्यादा कोल्ड या ज़्यादा वार्म कंडीशंस नहीं बर्दाश्त होती है, तो आपको इसको ऐसी कंडीशन में रखना है दोस्तों, जहाँ पे इसको ना बहुत ठंडी लगे ना गर्मी लगे। जैसे इस समय मानसून का सीज़न है, तो आप इसको बारिश में एक दो बार रख सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल बारिश में भी इसको नहीं छोड़िएगा, क्योंकि ज़्यादा बारिश में आप छोड़ते हैं तो पानी फिर पॉट में भरा ही रहता है या मिट्टी गीली ही रहती है, तो उस कंडीशन में भी आपका ये प्लांट गलने लगेगा दोस्तों। तो इसका आप खास ध्यान दीजिएगा इस मानसून में। और जैसे गर्मियाँ जब होती हैं, तब आपको इसे फुल सन में भी नहीं रखना है, इसे ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे शेडेड एरिया हो, जैसे कोई बरामदा हो गया या कोई पोर्च हो गया, और या तो फिर ग्रीन नेट के नीचे आप रखें इसे। तो इन सब बातों का आपको ध्यान देना है। और दोस्तों, इसको जब आप नर्सरी से ले आएँ, तो इसकी मिट्टी बनाते समय आपको सैंड जरूर मिलाना है। सैंड मिलाने से दोस्तों मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन होती है और पानी उसमें नहीं रुकता है। तो आप इसकी मिट्टी को वेल ड्रेन बनाएंगे, और उसके बाद इसको फर्टिलाइज़र की बात करें, तो फर्टिलाइज़र आप इसको महीने में एक बार, आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं जो आप अपने सभी प्लांट्स में देते हों। और अगर आप साल में देखते हैं, तो साल में दो बार इसको अच्छे से गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट चाहिए, एक बार फरवरी में और एक बार सितंबर या अक्टूबर में, जब बारिश का मौसम ख़त्म हो जाए उसके बाद दोस्तों। अभी आप इसमें कोई भी खाद ना दें, क्योंकि अभी बारिश है, तो बारिश में खाद देने पे पौधे से नीचे से ड्रेन हो जाती है, तो उससे पौधों को कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो इसका आप ध्यान देंगे। और एक चीज़, इसमें सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों, नहीं का मतलब डायरेक्ट नहीं, आप इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में इसे रखें, जहाँ पे अच्छी रोशनी हो, तो ये अच्छे से सर्वाइव करेगा। और इंडोर भी ये बहुत अच्छा चलता है। मेरा ये प्लांट दोस्तों इंडोर ही रखा था, लेकिन अभी इस टाइम हमने अपने बरामदे में रखा है इसे, तो ये तो वीडियो शूट करने के लिए यहाँ लेके आए हैं बाहर, नहीं तो इसे सन में नहीं रखना है, फुल सन में तो बिल्कुल ही नहीं रखना है, और बारिश में भी इसे नहीं रखना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा पानी होने से इसकी पत्तियाँ ख़राब होने लगेंगी। पत्तियाँ क्या दोस्तों, इसका प्लांट्स ही मरने लगेगा फिर। इन सब बातों का आप ध्यान दीजिए, तो ये प्लांट आपके गार्डन में सालों साल बना रहेगा दोस्तों। तो आप इसे कोशिश ये करें कि मिट्टी के पॉट में लगाएं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा।
जैसे पानी अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है तो आप मिट्टी का पॉट है तो उसमें दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर प्लास्टिक के पॉट में लगाते हैं तो थोड़ा सा भी दोस्तों पानी ज़्यादा होता है तो प्लांट्स गल जाते हैं, उनकी रूट्स गलने लगती हैं। तो इस बात का आप ध्यान दें और मिट्टी को बहुत गीला ना रखें। मेरी मिट्टी देखिए अभी इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है, देखिए इस तरह से है, हल्का सा मॉइस्चर है तो बिल्कुल सूखा भी नहीं रखना है, हल्का सा मॉइस्चर होना ज़रूरी है दोस्तों। और ये बिल्कुल देखिए वेल ड्रेन सॉइल है, इसमें सैंड और गोबर की खाद और साथ में ये गार्डन सॉइल, और हाँ फंजीसाइड अगर आपके पास है तो उसे भी मिक्स कर दें जिससे कि आपके प्लांट में फंगस का डर ना रहे। और बीच बीच में दोस्तों नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें जिससे कि सभी प्लांट्स आपके हेल्दी रहें और अच्छे से उनकी पत्तियां भी खूब हेल्दी सी शाइन करती हुई रहें। और देखिए जब प्लांट्स हेल्दी होता है तो उनकी टिप्स भी ख़राब नहीं होती हैं, तो इसी तरह से बना रहेगा आपके गार्डन में। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, और हाँ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।